ये रहा तुम्हारा नया बर्थडे गिफ्ट फोन. थैंक यू सो मच पापा. अच्छा तो आपने दी को नया फोन गिफ्ट किया है? हाँ बेटा, तुम्हारी दी पहले जो फोन यूज कर रही थी ना, वो ठीक से काम भी नहीं कर रहा था, तो मैंने इसे नया फोन गिफ्ट कर दिया. पापा मैंने भी तो आपको कहा था कि मुझे भी नया फोन चाहिए, तब तो आपने मेरी बात नहीं सुनी. मैं अडॉप्टेड जो हूँ. नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटा मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया, तुझे पिछले साल ही तो फोन दिलवाया था. बस करो पापा, आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. साक्षी कम से कम पापा की बात सुन तो ले. नो थैंक्स दी, आपको आपका फोन मिल गया ना, आप खुश रहो. साक्षी साक्षी क्या हो गया कैसे? साक्षी ये कहाँ जा रही हो तुम? रात के 8 बज रहे हैं. पापा मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ बाहर, और 12:00 तक वापस आ जाऊँ. 12:00? अरे लेकिन इतनी रात को वापस कैसे आओगी? तुम तो जानती हो शहर का माहौल कितना खराब है. अच्छा स्निग्धा दीदी जो रोज रात को 12:00 वापस आती है, उन्हें तो आप कभी कुछ नहीं बोलते. साक्षी वो उसकी जॉब है, और तुम तो जानती हो उसकी कंपनी वालों ने उसे कैब दे रखी है आने जाने के लिए. उनके लिए तो आपके पास हमेशा एक्सक्यूजेस होते हैं, और मेरे अंदर तो आपको हमेशा अडॉप्टेड बेटी दिखाई देती है ना. ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हैं? आई एम कंसर्न्ड इसलिए कह रहा हूँ. अरे रात का वक्त है, कहीं कुछ हो गया तो. मैं बच्ची नहीं हूँ पापा, मैं मैनेज कर लूंगी. हेलो बेटा. हेलो पापा, मुझे आपसे साक्षी के बारे में बात करनी है. क्या हुआ बेटा? पापा मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना था कि उसे किसी जर्मनी के कॉलेज में एडमिशन लेना है, और उसकी एडमिशन फीस 25,00,000 रुपए है पापा. अच्छा, लेकिन बेटा ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई अभी तक? शायद उसे लगा होगा कि आप उसके लिए पैसे अरेंज नहीं करेंगे, इसलिए उसने आपको कुछ भी नहीं बताया. वो मेरे बारे में इतना बुरा सोचती है. मैंने ऐसा क्या कर दिया उसके साथ? पापा प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आप साक्षी की मदद करिए ना. ठीक है बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ. हेलो. हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम PDT यूनिवर्सिटीज एडमिन ऑफिस. एम आई स्पीकिंग टू साक्षी? यस. योर एडमिशन स्टेटस हैव बीन अप्रूव्ड, सेशन विल बी स्टार्टिंग सून, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद यू ओवर ईमेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो पापा. हाँ बेटा. मेरा एडमिशन हो गया है जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में. ये तो बहुत अच्छी न्यूज है बेटा, कांग्रेचुलेशंस. ऑल थैंक्स टू मी, ये सब मेरी वजह से ही तो हो पाया है, वरना आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है. लेकिन बेटा. पापा आई एम लीविंग द हाउस, मैं उस घर में और नहीं रह सकती. साक्षी मेरी बात तो. साक्षी साक्षी हेलो दीदी. साक्षी तूने इंडिया के नंबर से फोन कैसे किया? कहाँ है तू? मैंने सोचा आपको सरप्राइज देती हूँ, तो मैं सीधा घर पर ही आ गई. घर आ गई? कहाँ है तू? मैं तो यही हूँ घर के बाहर, पर यहाँ लॉक लगा है. आप लोग कहाँ हो? अच्छा तू वहीं पे रुक, मैं तुझे लेने आती हूँ. ठीक है. ओके. साक्षी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ. कहीं से आ रहे हो क्या? और पापा भी नजर नहीं आ रहे. साक्षी अब हम इस घर में नहीं रहते हैं, हम एक रेंटेड फ्लैट में रहते हैं. मगर कब से? और आप
आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पापा ने मुझे तुझे बताने से मना किया था, पर अब तू आई गई है तो 2 साल पहले पापा ने हमारा घर बेच दिया, तेरे कॉलेज की फीस भरनी थी ना, इसलिए। क्या? पापा नहीं चाहते थे कि तू परेशान हो और इन सारी चीज़ों का असर तेरी स्टडी पर पड़े, इसलिए उन्होंने तेरे को कुछ नहीं बताया। I can't believe this. पापा ने मेरे लिए अपना घर बेच दिया। साक्षी, पापा जितना मुझसे प्यार करते हैं ना, उतना तुझसे भी करते हैं। पर तुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि तू अडॉप्टेड है, तो वो तेरी परवाह नहीं करते। आप सही कह रही हो दी, मैं कितनी गलत थी, मैं अपनी ईगो में आपको कितना कुछ गलत बोलती रही। सॉरी दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, पापा से जाके मांगो, वो तुझे माफ कर देंगे। और घर चलना, उन्हें सरप्राइज देते हैं। चल। साक्षी, वेलकम बेटा, वेलकम। तुम कब आई? मैं आज ही आई पापा, सोचा कि आपको सरप्राइज दे दूं। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ पापा, I'm very sorry पापा। मुझे दीदी ने सब बताया कि आपने कैसे मेरे कॉलेज की फीस भरने के लिए हमारा घर बेच दिया। साक्षी, तुम्हें उस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम खुश हो ना? बस मेरे लिए इतना काम, मैंने आज तक जो कुछ भी किया अपनी बेटियों के लिए ही तो किया। हाँ, थैंक यू सो मच पापा। मेरा बच्चा। अरे, अब सारा प्यार अपनी इस बेटी के लिए? कम कम कम, मेरी दोनों बेटियां मेरी आंखों के तारे। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।